दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मार्क्सिस्ट माह का गुरुवार में किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय, जिसे करने से धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही जानेंगे मार्क्सिस्ट माह के गुरुवार के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही सुनेंगे मार्क्सिस्ट माह की गुरुवार की व्रत कथा। भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस माह के गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु के साथ महालक्ष्मी के पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में देवी लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती हैं। कहा जाता है कि इस मास में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर आगमन करती हैं जिसके घर में साफ सफाई, साज सजावट के साथ पवित्रता, परिवार में प्रसन्नता तथा सात्विकता का अधिक माहौल होता है। ऐसे में इस दिन अपने घर में साफ सफाई अवश्य ही करें। इसी के साथ इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार और आंगन के अलावा घर के अन्य विभिन्न स्थानों पर भी रंगोली बनाएं। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मार्क्सिस्ट माह के गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी के पद चिन्हों का चित्र भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन की देवी आपके घर में वास करती हैं। अब सुनेंगे श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरो। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ हुआ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, परंतु रानी की बहन
कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घोड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकहारे के सामने आकर बोले, हे लकहारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकहारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान
पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकहारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन की प्राप्ति होगी जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए। परंतु लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकहारा कारागार में पड़ गया और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसा मिले। लकहारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकहारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकहारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि
यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मूर्ति को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोलो, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे के मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बूढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखकर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी जाकर। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई।